हरेंद्र जी अपना परिचय आप खुद ही दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा मैं तो कहूँगा। पहले तो मैं सबसे पहले तो मैं देश रोजाना में बग्गू साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे बुलाया और सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाया, हमारी सरदारी को बुलाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम हरिंदर है, मैं पूर्व विधायक राम रतन जी का बेटा हूँ और हसनपुर से जो विधानसभा हमारा जो होडल है उससे बिलोंग करता हूँ। चेहरे की चमक बता रही है कुछ मेरे चेहरे की तो आपने हमेशा चमक देखी है। मैं तो ऐसे टिकट विकट की कुछ लड़ाई जीत ली है, चल रही है अभी। देखिए मेरा तो पिछली बार टिकट कट गया था तब भी मेरा ऐसे ही चेहरा था और आज ज्यादा रौनक लग रही है मुझे। नहीं नहीं आपने तो मेरे को पहले भी देखा था, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ जी। पार्टी के काम करने वाले लोग हैं, पार्टी डिसाइड करती है टिकट देना नहीं देना, तो वो तो डिफरेंट चीज है। जो हमारी जो पार्टी के शीर्ष नेता जैसा भी निर्णय लेते हैं हम लोग तो उसके साथ चलते हैं। मैंने पिछली बार भी मांगी थी 2019 में, जब भी आपको पता है नहीं मिली तो पार्टी का काम किया, तब भी खुश थे, आज भी खुश हैं। जी जी, जो पार्टी का निर्णय होगा उसके साथ रहेंगे। हरिंदर जी कितनी तैयारी है चुनाव को लेके? देखिए चुनाव को लेके तो मैं पिछले 10 साल से मैं अपने जो होडल विधानसभा उसमें रेगुलर जी के जो है कार्य कर रहा हूँ। हाँ। और पार्टी जो हमें निर्देश देती है, हमारी पार्टी जो निर्देश देती है उसके साथ हम जी के चलते रहते हैं। चौधरी किशन पाल गुर्जर जी जो मंत्री हैं हमारे भारत सरकार में, जो हमारे सांसद हैं यहाँ से, वो उनका जो निर्देश होता है वो करते रहते हैं। पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनका जो हमारे को आदेश होता है वो करते हैं। हमारे जिले की बॉडी जो हमको आदेश देती है वो करते हैं। हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं पार्टी के। हरिंदर जी बहुत अच्छी सरकारी नौकरी में थे आप, VRS तो ले लिया हो? VRS तो मैंने सरदारी ने कहा था तो मैंने VRS ले लिया। सरकारी इतनी अच्छी नौकरी थी, चुनाव की क्या ललक लगी? क्या लगता है कि ये जो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनने के बाद में ज़्यादा चमक आ जाती है, या ये लगता है कि वो जो नौकरी थी उसमें ज़्यादा सेवा नहीं हो पा रही थी क्या? देखिए मैंने तो कुर्ता पजामा पहने नहीं है, मैं तो पैंट शर्ट पहने। चलो आजकल पैंट शर्ट नेता पहने लगे, पहना तो सफ़ेद ही आपने। कुर्ता पजामा तो नहीं पहने, मैं तो पैंट शर्ट पहने। जी जी, मैं वही पूछ रहा हूँ कि नौकरी ठीक ठाक चल रही थी, अच्छी नौकरी चल रही थी? नौकरी भी मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी नौकरी की है, मैं 10 साल तक भारत सरकार में था, उच्च पद पे था। जैसा आपने कहा मैं आपकी बात से सहमत हूँ, तो वहाँ पर मुझे काम करने का बहुत एक्सपीरियंस भी मिला, काम भी किया, समाज के लोगों का भी काम किया। तो एक 2014 में मेरे पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी से होडल से विधानसभा का चुनाव लड़ा था जी। तो उसी टाइम मेरे को वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से जगह VRS लेके वापस आना पड़ा था। हरियाणा गवर्नमेंट में आ गए? हाँ हरियाणा गवर्नमेंट में आ गया था। फिर 2019 में जब चुनाव की तैयारियां चल रही थी तो पार्टी ने देखा कि 2014 में मेरे पिताजी चुनाव हार गए थे, लेकिन जो बीच में जो काम जैसे चलते रहे, मुख्यमंत्री की रैलियां हुई, तो उसको देखते हुए उन्होंने मेरे नाम को कंसिडर किया था 2019 में भी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि पार्टी के सभी सीनियर नेताओं ने कहा था कि आपको भी कंसिडर किएंगे, तो उस टाइम मेरे से रिजाइन करा नौकरी से। VRS आपको रिजाइन हो गया? जी जी, VRS ही होगी आपकी वो टाइम? तो कितने टाइम की नौकरी? डिपार्टमेंट में VRS नहीं होती है। अच्छा, स्टेट में रिजाइन ही होता है। फिर टिकट कट गई, टिकट मिली नहीं, कटी तो नहीं, कटती तो तब जब मिल जाती पहले। जी जी, टिकट मिली नहीं, कंसीडर नहीं हुए, टिकट मिली नहीं जी। फिर कोई सुनीता दुग्गल को बड़ा दुख हुआ था पिछले दिनों, मनोहर लाल जी के सामने कह रही थी कि अच्छी वाली IRS की नौकरी थी वो छुड़वा दी, पहले MLA का टिकट नहीं दिया। हालांकि MP बन चुकी फिर भी टीस थी। हरिंदर रामरतन को भी टीस थी क्या कि नौकरी छुड़वा दी और टिकट विकट दी नहीं? नहीं नहीं, मेरे को कोई टीस नहीं थी। मैंने गौरव 25-26 साल जो है ना गवर्नमेंट जॉब कर लिया और उसके बाद में जो पार्टी ने मेरे को कहा पार्टी के काम करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए मैं आगे आया। मेरे पिताजी चुनाव हारने के बावजूद भी होडल विधानसभा के अंदर जो उन्होंने काम करवाने की कोशिश की, हारने के बाद भी उन्होंने जो काम कराने की कोशिश की, हसनपुर के अंदर 2016 में मग्गू साहब मुख्यमंत्री जी को उन्होंने बुलाया, वहाँ उनके सामने जो ना लगभग 47 मांग उन्होंने रखी। दो घोषणाएं मुझे ध्यान है जी, एक पार्क अभी तक बना नहीं, एक बस स्टैंड अभी तक काम हुआ नहीं। मग्गू साहब सुरेंद्र जी गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? दो हाँ। दो घोषणाओं के अलावा भी उस क्षेत्र में और भी घोषणाएं थी जो बहुत पुरानी घोषणाएं थी। मेरे पिताजी जब MLA बने थे तो उन्होंने हसनपुर पर जमुना के पुल पर, मैं तो 2016 का बोल रहा हूँ, आपने जो घोषणाएं थी मुझे ध्यान है, उस रैली में मैं था क्योंकि खुद जी। मैं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसी टाइम में 47 मांग और भी थी। हसनपुर में जमुना के पुल की मांग थी। पार्क क्यों नहीं बना? पार्क जहां तक बनने की बात है, क्योंकि जो पार्क की जमीन है जिसके लिए पिताजी ने कहा था अग्रसेन पार्क इसको बना दो, मुख्यमंत्री जी को कहा था, वो
बस अड्डे की जमीन है, मतलब अरे रोडवेज की जमीन थी, तो रोडवेज की जमीन को ट्रांसफर करने के लिए उसमें कुछ अड़चने हुई हैं। अब तो ट्रांसफर बहुत टाइम हुआ हो चुकी है, अभी नहीं हुआ है। तो आप तो सियाने आदमी हो, जब आपको पता था कि जमीन थी नहीं, हमने तो उनके लिए डिमांड रखी थी कि होडल में एक जगह अग्रसेन पार्क बनाया जाए और यहाँ पर बस अड्डा बनाया जाए। उसके अलावा कोई और जगह नहीं थी पार्क के लिए? उसके अलावा तो और जगह होटल में इतनी बड़ी कोई जगह है नहीं जहाँ पर पार्क डेवलप किया गया। दूसरी जगह जो थी सत्ती का तालाब थी, बस अड्डे की जगह थी, बस अड्डा बना नहीं। दूसरी जगह जो थी जिसकी आप पार्क की बात कर रहे हैं, वो सत्ती के तालाब पर हमारी बहन बेटियों को जाने की बात थी, तो सत्ती के तालाब के लिए मेरे पिताजी ने पैसा सेंक्शन कराया था, सत्ती का तालाब उन्होंने बनाया। जब वो MLA थे तब से स्टार्ट किया था, उस टाइम उन्होंने अब ये उसमें भी पैसा लगा। मतलब अगर हसनपुर वालों को कोई एंटरटेन करना हो, कोई स्थान देखना हो, तो वो 50-60 रुपए खर्च करके सती सरोवर पे जाएं। अगर उनको टहलना हो तो किसी होटल के पार्क को ढूंढें। हसनपुर वालों के लिए सुविधा आपके पास नहीं है? हसनपुर की बात नहीं थी। मैं तो हसनपुर की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये जो आप पार्क की बात कर रहे हैं, ये होटल की घोषणा, ये हसनपुर का पार्क भी था? नहीं 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 जी, अग्रसेन पार्क और बस अड्डा ही होटल की बात है। हसनपुर के लिए तो उन्होंने एक तो मांग रखी थी जमुना के पुल की, एक जगह महिला कॉलेज की, एक बस अड्डे की, और एक जगह तहसील की बिल्डिंग की, और एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग की, और एक PW गेस्ट हाउस की। वो सारी घोषणाएं जो उन्होंने उनके सामने रखी थी बड़ी बड़ी, उन पे सब पे काम हो चुका है और लगभग सब काम कंप्लीट हो चुका है। बस अड्डा कंप्लीट हो चुका है। जो महिला कॉलेज की मांग है, क्योंकि होडल के हसनपुर के अंदर जो जमीन नहीं थी, उसको हमने भेंडौली की पंचायत से जमीन ली, भेंडौली की पंचायत में उसको शिफ्ट कराया, वहाँ का वो पैसा उनका रिलीज हो चुका है, तो वहाँ पर वो क्लासें हमने शुरू करवा दी। काम तो करवाए हैं आपने, कृष्ण कृपा पूरी रही है, हरिंदर पर ही पता है हमें, ये तो काम तो खूब हुए आपके। नहीं मैं तो देखिए, ना तो मैं विधायक हूँ, हाँ, मैं कोई इतना बड़ा लेकिन मैं तो पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। माननीय मंत्री जी से कहे कि जितना मेरे से हो सका है मैं वो कराने की कोशिश की है। जो हमारे क्षेत्र की सरदारी जो ना नीचे से कोई आवाज हमारे को देती है, कहती है भैया इस मांग को या इस चीज को जी आप मंत्री जी तक पहुँचाए, सब लोग नहीं पहुँच पाते हैं, तो वो सरदारी मुझे कह देती है, तो मैं उस बात को लेकर उन तक कह देता हूँ। उस पर बहुत कुछों पर अमल हो भी जाता है, बहुतों पर नहीं भी होता है। हरिंदर जी, 2019 में आपकी पार्टी के विधायक बने जी, सरकार के अंदर विधायक हैं आजकल जी, चुने हुए विधायक हैं जी। विधायक कहते हैं कि मेरी पूछ नहीं हुई, ऐसा नहीं है। साथ साथ एक सवाल और जोड़ देता हूँ इसके साथ ही जी, जब विधायक हैं क्या उनका काम बिल्कुल ठीक नहीं था, लोग उनको नहीं चुनेंगे या लोग आपकी तरफ देखें, कारण क्या है, क्यों चाहें ऐसा? देखिए इसके विषय में तो जो विधायक है वही बता सकता, मैं कैसे बताऊंगा। हमारे क्षेत्र की जो सरदारी है उसको जैसा लग रहा है, तो वो अगर उन्होंने काम किए होते तो वो लगता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, मनोहर लाल जी ने और सैनी साहब ने और चौधरी किसान पाल गुर्जर जी ने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत काम किया है। उसका जवाब तो वो खुद दे सकते हैं, विधायक जी जवाब दे सकते हैं उससे मेरे से ज़्यादा बेटर जी। मैं उसके विषय में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी पार्टी ने बहुत काम किया जी। यानी कि पार्टी सफल है, पार्टी कामयाब है, भाजपा ने खूब काम किए, विधायक जी मग्गू साहब सफल है। एक मिनट सुंदर जी, एक मिनट। हाँ जी, तो पार्टी BJP ने ठीक काम किए हैं, विधायक की इनकम्बेंसी है, ये कह रहे हैं? देखिए पार्टी की तो कहीं इनकम्बेंसी नहीं है। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में भी, 2024 में भी होडल विधानसभा से जो कांग्रेस पार्टी के जो ना प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला था कि 25,000 से या 40,000 के बीच में होडल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हारेगा, लेकिन आपके सामने रिजल्ट है। वहाँ की सरदारी ने जो मान और सम्मान और जो ना वहाँ के जो जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, माताओं बहनों ने खूब अच्छी इज्जत रखी थी। ज़्यादा से ज़्यादा 566 वोट का मार्जिन रहा है, सभी जगह से लगभग सब गाँवों से जो ना किशन पाल गुर्जर जी ने चुनाव जीता है, वहाँ के स्टेट प्रेजिडेंट होने के बावजूद काम किए हैं, तभी वहाँ जीत। मेरा आखिरी सवाल जी, उसके बाद ऑडियंस में लेंगे। बहुत बड़ी संख्या में आपके क्षेत्र में लोग पार्टी छोड़ रहे हैं आपके विधानसभा के अंदर, अगर हरिंदर को टिकट मिल जाता तो क्या वो लोग वापस लौट पाएंगे या पार्टी का नुकसान हो गया? मुझे नहीं लग रहा है कोई भी पार्टी छोड़ रहा है, सभी लोग पार्टी के साथ हैं। और अगर कोई एकाध दो लोगों की या 10-20 लोगों की नाराजगी के हमारे स्थानीय विधायक से हो सकती है, लेकिन पार्टी से किसी की नाराजगी नहीं है, सब लोग पार्टी के साथ रहेंगे। आप तो सरकार में अधिकारी भी रहे हैं, क्या घोषणा करने से पहले विजिबिलिटी चेक नहीं करनी चाहिए? पहले घोषणा ही कर देते हैं फिर विजिबिलिटी चेक कराते हैं आप लोग, और विजिबिलिटी चेक नहीं, जब उसमें नहीं बनती तो फिर ये हाल होता है जो आज हो रहा है। मग्गू साहब, हमारी पार्टी ने होडल विधानसभा के अंदर
बहुत कार्य करवाए। 1167 घोषणाएं हैं आपके मुख्यमंत्रियों की जो विजिबिलिटी के वजह से पाइपलाइन में रह गई, नहीं हुई। मेरे विधानसभा में मेरे पिताजी ने जितनी घोषणाएं करवाई थी उन पर लगभग सब पे काम हो चुका है और या चल रहा है, लेकिन दो घोषणाएं जो आप जो बस अड्डे की और एक अग्रसेन पार्क की, दो घोषणाएं जो मेरे पिताजी के द्वारा जो करवाई थी वो दोनों अधूरी रह गई हैं। उसके लिए तो मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, मैं खुद अपने आप को जिम्मेदार मान रहा हूँ, क्योंकि ये उस पर हमने कोशिश की है करवाने की, लेकिन दो घोषणाएं जो हैं वो मेरे पिताजी के द्वारा जो करवाई गई थी 2016 में और 2018 में वो पेंडिंग रह गई हैं। तो स्थानीय विधायक जी को उसमें जी के जो ना बढ़ चढ़ के थोड़ा आगे काम करना चाहिए था, वो पता नहीं कैसे उनसे रह गया तो है। हरिंदर प्रयास करेंगे आगे अगर। हाँ, मैं जरूर प्रयास करूंगा। मैं तो जी के मतलब मेरी कोशिश होगी कि वो दोनों जो मेरे पिताजी की इच्छा भी है वो पूरी हो। अगर हरिंदर जी को मौका मिलता है तो आगे प्रयास करेंगे। जी जरूर करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार मैं पुनः देश रोजाना में आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी पूरी सरदारी, मेरे पूरे नेता हैं, सब पार्टी के यहाँ बैठे, मैं उनका एक बार पूरे अपने दिल से अब बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। चलिए धन्यवाद जी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।